नमस्कार दोस्तों, मैं गुरप्रीत सिंह फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल MPS कोचिंग क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को बताया गया पिछले एक दो दिनों के अंदर कि रीट 2018 की जो भर्ती है उसकी वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी, तो आज अभी थोड़ी देर पहले लेवल वन की लगभग 900 सीटों की वेटिंग लिस्ट, यानी कि अगर अपने कहें अस्थायी जो चयन है वो प्रतीक्षा सूची इनकी जारी कर दी गई है। तो अपने देखते हैं, उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। ये प्रेस नोट जरूर 29/12 का है, लेकिन आज ये जो है रिलीज़ किया गया है क्योंकि इसमें कुछ सिग्नेचर वगैरह रहते थे, उसके बाद ये आज रिलीज़ कर दिया गया है। तो आप सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये आप पूरी डिटेल ऊपर पढ़ लीजिए और उसके बाद आप अपना नाम वगैरह देख सकते हैं नीचे, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लें, आपको वहाँ पर ये PDF मिल जाएगी। तो देखिए, अपना नाम यहाँ देख सकते हैं आप, वीडियो को पॉज करके आराम से। लगभग 900 कैंडिडेट है। इसके बाद अपने TSP एरिया का भी देखेंगे, उसमें 30 कैंडिडेट उसके लिए गए हैं TSP एरिया के। और अभी आपकी जो भी ज्वाइनिंग से रिलेटेड कुछ भी रहेगा कि आपके क्या डॉक्यूमेंट है और जितने भी डिटेल रहेगी, वो भी आपको चैनल के किसी वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा जैसे कोई अपडेट आएगी। तो आप चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें, आराम से देख सकते हैं आप अपना रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और नाम। आपका नाम आपको पता लग जाएगा, साइड में आपके स्कोर भी दिया हुआ है कि कितना स्कोर है आपका। हाईएस्ट 72 नंबर के आसपास गई है मेरिट इसकी। ये सारे वेटिंग लिस्ट के देख सकते हैं आप कैंडिडेट हैं, और जल्द ही लेवल 2 की जो मांग चल रही है उसको भी ज़रूर, उसकी भी वेटिंग लिस्ट आएगी। तो जो लेवल 2 वाले हैं अभ्यर्थी, वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़रूर वो जो रीट की तैयारी कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल के अंदर, वो भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पे रीट की कंपटीशन की तैयारी करवाई जा रही है कंटिन्यू। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। लगभग 150 यहाँ पर हो चुके हैं कैंडिडेट। ये सिर्फ जो आपका स्कोर है उस स्कोर के अकॉर्डिंग ये जो सीक्वेंस के अंदर दिए हुए हैं कि जो टॉप लेवल स्कोर है उसका सबसे ऊपर, फिर उससे कम, और ये सारा मेरिट चलती आ रही है। और जिनका सेम है उनका डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग रहता है। जिनके मार्क्स सेम हैं उनको डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग रखा जाता है, कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है उनको पहले प्रायोरिटी दी जाती है। आराम से देख लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जिन जिन अभ्यर्थियों का यहाँ लिस्ट में नाम है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। काफ़ी समय से इसका जो वेट किया जा रहा था, थोड़ी सी इसी प्रकार ये ब्लर है क्योंकि ये इंक फैली हुई जैसी है और कुछ नहीं है। तो वीडियो की क्वालिटी आप हाई करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जहाँ भी आपका नाम और रोल नंबर वगैरह है, डिटेल पूरी। और इसके आगे की जो भी प्रोसेस रहेगी वो आपको बता दिया जाएगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। और टेलीग्राम चैनल आप सर्च करने के लिए MPS कोचिंग क्लासेस लिखें, टेलीग्राम के अंदर आपको मिल जाएगा चैनल, सब्सक्राइब करें और वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी, आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। TSP और नॉन TSP दोनों की वहाँ मैं अपलोड कर दूँगा। ये देखिए 400 कुछ कैंडिडेट हो चुके हैं यहाँ पर। अभी 2016 की भी रहती है लगभग, काफ़ी के उसकी सीट्स हैं। लेवल 2 के अंदर इंग्लिश की सीट सबसे ज़्यादा है, तो इंग्लिश वाले अभ्यर्थी काफ़ी प्रतीक्षा कर रहे हैं उसकी, तो जल्द ही वो भी जारी कर दी जाएगी। उसके बाद शायद सेकेंड रीट सेकेंड लेवल 2016 वाले की भी
लिस्ट जारी की जाए। आपका जो भी आगे का प्रोसेस रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का हो रहा है उसकी भी आ जाएगी, तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। आप अपने डॉक्यूमेंट जो हैं तैयार करके रखें अभी से। ये अपने 800 कुछ कैंडिडेट हैं, इनके बाद अपने लेवल टीएसपी एरिया का देखेंगे, लेवल वन का। और एक बार फिर से आप सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देर आए दुरुस्त आए, कैसे भी है अपने को इस मतलब महामारी वाला जो काल चल रहा है इसके अंदर अपने को जॉब मिल रही है, ये बहुत बड़ी बात है ना। ये तो देखिए आप अभी पीछे की बात है कि पटवार का एग्ज़ाम था, अभ्यर्थी तैयारी करके बैठे थे। वो पॉजिटिव अगर लें तो अच्छा है कि उनको और तैयारी का समय मिल गया, लेकिन फिर भी वो एग्ज़ाम नहीं हो पाया किसी भी प्रशासनिक कारणों से, है ना। तो इसी प्रकार कहीं भी एग्ज़ाम या परीक्षा जो भी है नहीं हो पा रही है, आपको जॉइनिंग तक मिल जाए वो बहुत बड़ी बात है, जो मिल जाए, है ना। तो अच्छा है, कोई बात नहीं, एक दो साल या जैसे भी है थोड़ा सा लेट हो गया, अब तो ये सिस्टम ही ख़त्म हो गया। अब 1.5 गुना बुलाते हैं, 2 गुना बुलाते हैं कैंडिडेट, तो हाथों हाथ वो जो है वैकेंट जितने भी सीट होगी वो उनमें से ले लिए जाते हैं कैंडिडेट। तो वेटिंग लिस्ट वाला झंझट अब ख़त्म हो गया, जो कि सबसे अच्छी चीज़ है। ये देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये भी कंप्लीट होने वाला है और इसके बाद अपने बढ़ेंगे टीएसपी एरिया वाले ये जो कैंडिडेट हैं उनके पास। ये मेरिट जो है 64 तक पहुंच गई है, 72 से शुरू हुई थी, 858 कैंडिडेट हो चुके हैं, है ना। ये देखिए 894 कैंडिडेट यहाँ पर लिए गए हैं नॉन टीएसपी में, और टीएसपी की अगर अपने बात करें तो यहाँ पर 30 कैंडिडेट लिए गए हैं। ये देखिए तो टीएसपी वाले अभ्यर्थियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें जितना हो सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।